स्टोरी दादाजी की कहानी शेर मेंढक और तितली की रंग बिरंगी जंगल यात्रा। रात का समय था और छोटा सोनू अपने बिस्तर पर आराम से लेटा था। दादाजी उसके पास बैठे और मुस्कुराते हुए बोले, चलो आज मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक हंसते खेलते शेर, एक उछलते फुदकते मेंढक और एक रंग बिरंगी तितली की। दादाजी ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक घना और खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था जो हमेशा खुश रहता था। उसका नाम था राजू शेर। राजू शेर का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा नए दोस्तों की तलाश में रहता था। एक दिन वह जंगल के बीचों बीच एक चमचमाती झील के पास पहुंचा। वहां उसने देखा एक छोटा सा मेंढक जो मजे से झील के किनारे कूद फांद कर रहा था। शेर ने हंसते हुए कहा, अरे मेंढक भाई, तुम कितना मजेदार खेलते हो। मेंढक का नाम था छोटू और वह भी हंसते हुए बोला, शेर भैया आओ तुम भी मेरे साथ कूदो। राजू शेर और छोटू मेंढक दोनों ने मिलकर झील के पास खूब मस्ती की, कूदते फांदते रहे और हंसते रहे। फिर दादाजी ने कहा, जैसे ही वे आगे बढ़े, एक सुंदर तितली हवा में उड़ती हुई उनके पास आई। उसकी पंखों पर इंद्रधनुष के सारे रंग चमक रहे थे। उसका नाम था रानी तितली। वह बोली, आप लोग कहाँ जा रहे हो। राजू शेर ने कहा, हम जंगल में मस्ती करने निकले हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। फिर तितली ने अपने पंख फैलाए और उनके साथ उड़ने लगी। अब राजू शेर, छोटू मेंढक और रानी तितली तीनों जंगल में घूमने निकले। उन्होंने रंग बिरंगे फूलों की खुशबू ली, पेड़ों के नीचे बैठकर गीत गाए और आसमान में उगते हुए सूरज की लालिमा देखी। दादाजी की आवाज धीमी हो गई, फूल खिलखिला रहे थे, पंछी चहक रहे थे और तीनों दोस्तों की हंसी से जंगल गूंज उठा। हर जगह रंग और खुशियां बिखरी हुई थी। इस खूबसूरत जंगल में शेर मेंढक और तितली ने सीखा कि दोस्ती सबसे बड़ी खुशी है। सोनू की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी। दादाजी ने धीरे से कहा, अब शेर मेंढक और तितली की तरह तुम भी सपनों की दुनिया में जाओ, जहां सब कुछ रंगीन और खुशहाल है। कहानी खत्म होते होते सोनू गहरी नींद में चला गया और उसके सपनों में वही रंग बिरंगी जंगल की दुनिया थी। Thanks for your support. Subscribe to my channel for more videos and let's keep the fun going.